हेलो दोस्तों, मैं अंजलि एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम हैरी पॉटर एंड सॉर्सरर्स स्टोन मूवी की पूरी कहानी जानेंगे। तो मूवी शुरू होती है रात में खाली सड़क पर घूम रहे एक बूढ़े से आदमी एल्बस डंबलडोर से, जो अपनी डिल्यूमिनेटर से लैंप बुझा रहे होते हैं। वहाँ एक बिल्ली आती है जो दरअसल प्रोफेसर मैकोनिकल होती है। वो वहाँ पर किसी का वेट कर रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं ऐसे बच्चे के बारे में जो जिंदा बच गया था। थोड़ी देर में एक विशालकाय आदमी जो कि हैग्रिड होता है, बच्चे को लेकर उन्हें देता है, जिसे वो डर्सलीज नाम के फैमिली के दरवाजे पर छोड़ देते हैं। ये बच्चा हैरी पॉटर होता है। सीढ़ियों के नीचे की अलमारी हैरी का सोने का कमरा था। पिटूनिया और वर्नन, जो कि उसके मौसा मौसी होते हैं, उसके साथ भयंकर व्यवहार करते थे। और उनका एक बेटा होता है डडली, जो हैरी को बचपन से बहुत मारता पीटता और परेशान करता है। आज डडली का 11th बर्थडे होता है और पूरा परिवार जू जाता है, जहां रेप्टाइल एरिया में जू के सबसे बड़े सांप को सोता देख डडली उसे बोरिंग कहकर वहां से चला जाता है। हैरी को पता था कि ऐसे अकेले में रहकर कैसा फील होता है और वो ये बात सांप को बता देता है। उसे हैरानी होती है कि सांप उसके बात समझकर उसके सवालों का जवाब देता है, और ऐसा होते डडली देख लेता है और धक्का मारकर हैरी को गिरा देता है। हैरी गुस्से में पलटकर उसे देखता है तो सांप वाला कांच गायब हो जाता है और सांप वहां से निकलकर चला जाता है। इस कारण वर्नन हैरी को उसके सीढ़ियों के नीचे की अलमारी में बंद कर देते हैं। कुछ दिन बाद हैरी के नाम एक चिट्ठी आती है, पर वर्नन वो चिट्ठी न जाने क्यों हैरी को नहीं देते। पर चिट्ठी आना बंद नहीं होती। उल्लू के माध्यम से हर तरीके से कोई हैरी तक चिट्ठी पहुंचाना चाहता था, और हैरी को चिट्ठी ना मिले इसलिए वर्नन पूरी फैमिली को वहां से दूर समुंदर के बीच एक झोपड़ी में ले जाते हैं। आज रात 12 बजे हैरी 11 साल का होने वाला था, पर किसी को भी परवाह नहीं थी। पर 12 बजते ही झोपड़ी का दरवाजा उखड़ जाता है और वही भीमकाय आदमी हैग्रिड अंदर आता है। वो हैरी को बर्थडे विश करके उसे केक भी देता है। वो हैरी को बताता है कि वो रूबियस हैग्रिड है, हॉगवर्ट्स का गेमकीपर। वो हैरी को ये भी बताता है कि हैरी के पेरेंट्स धमाके में मर गए थे, जबकि डर्सलीज ने उसे कहा था कि वो कार एक्सीडेंट में मरे थे। और सबसे बड़ी बात, वो हैरी को बताता है कि हैरी एक जादूगर है। वो उसे चिट्ठी देता है जिसमें लिखा होता है कि उसे हॉगवर्ट्स जादूगरी के स्कूल में एक्सेप्ट कर लिया गया है और अब वो वहां आगे की पढ़ाई करेगा। डर्सलीज मना करते हैं कि वो हैरी को कहीं नहीं जाने देंगे, ताकि वो पिटूनिया की बहन की तरह फ्रीक ना बन जाए। पर हैग्रिड उन्हें धमका देता है कि डर्सलीज जैसे मगल, यानी वो लोग जो जादू ना कर सकते हों, उसे रोक नहीं सकते। हैरी अगले दिन हैग्रिड के साथ लीकी कॉल्टन जाता है, जो कि एक पब होता है, ताकि वो जादूगरी का सामान खरीद सके। और वहाँ हैरी को पता चलता है कि वो कितना फेमस है और इस विजर्डिंग वर्ल्ड में हर कोई उसे जानता था। वहाँ उसे प्रोफेसर क्विरल भी मिलते हैं, जो हैरी को स्कूल में पढ़ाने वाले थे। वहाँ ही उसे सीक्रेट रास्ता पता चलता है डायगन एली जाने का, जहाँ जादूगरी का सारा सामान मिलता था। सबसे पहले हैग्रिड हैरी को ग्रीन गॉड्स ले जाता है, जो कि जादूगरों का बैंक होता है, और हैरी को पता चलता है कि उसके मम्मी पापा उसके लिए पूरा खजाना छोड़ गए थे। वो एक और वॉल्ट में जाते हैं, जहाँ से हैग्रिड एक पोटली उठाता है, पर हैरी को बताता नहीं है कि उस पोटली में क्या है। फिर वो लोग जादूगरी के सामान खरीदते हैं और फाइनली वॉन्ड खरीदने जाते हैं, जहां ओलिवेंडर वॉन्ड मेकर हैरी को बताता है कि उसके वॉन्ड में भी वही फीनिक्स का पंख है जो उस जादूगर के वॉन्ड में था जिसने उसके सिर पर वो निशान दिया था। हैग्रिड हैरी को हेडविग नाम की एक सुंदर सफेद उल्लू भी गिफ्ट करता है। जब हैरी हैग्रिड से निशान और पेरेंट्स की मौत के बारे में पूछता है, तो हैग्रिड हैरी को बताता है कि वोल्डेमॉर्ट नाम के डार्क विजर्ड ने ये सब किया था, जिसका कोई नाम नहीं लेता, सब उसे तुम जानते हो कौन नाम से बुलाते हैं, और उससे आज तक हैरी को छोड़कर और कोई नहीं बच पाया। इस कोशिश में वोल्डेमॉर्ट गायब हो गया था और सब मानते थे कि वो चला गया है, पर उसे लगता है कि वो वापस जरूर आएगा। हैग्रिड को वो पोटली डंबलडोर को देने जाना था, इसलिए वो हैरी को एक ट्रेन की टिकट दे जाता है, जिसमें हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस से हैरी हॉगवर्ट्स पहुंचता, पर टिकट पर प्लेटफॉर्म नंबर 10 लिखा होता है। हैरी को स्टेशन पर प्लेटफॉर्म समझ में नहीं आ रहा होता, पर वहाँ उसे एक औरत अपने बहुत से लाल बालों वाले बच्चों के साथ दिखती है और 10 और मगल्स की बात कर रही होती है। उस औरत की हेल्प से हैरी को पता चलता है कि बैरियर में सीधा घुसना है और आप प्लेटफॉर्म में पहुंच जाओगे। हैरी सही प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाता है और ट्रेन में चढ़कर एक खाली कंपार्टमेंट में बैठ जाता है। कुछ ही देर में
उन लाल बाल वाले बच्चों में से सबसे छोटा लड़का रॉन वीजली हैरी के पास आकर बैठता है और हैरी और रॉन में जल्दी ही दोस्ती हो जाती है। कुछ देर में ट्रॉली विच आती है और हैरी बहुत से स्वीट्स खरीद लेता है और रॉन के साथ शेयर करके खाने लगता है। ये स्वीट्स भी विजर्डिंग वर्ल्ड के होते हैं, नॉर्मल वर्ल्ड से अलग। रॉन के पास एक स्कैबस नाम का मोटा तगड़ा चूहा भी होता है, जिसका रंग बदलने के लिए रॉन के मस्खरे जुड़वा भाइयों ने एक मंत्र दिया होता है। रॉन हैरी को वो जादू दिखाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है। ये हरमाइनी ग्रेंजर होती है, जो नेविल नाम के लड़के के मेंढक को ढूंढ रही होती है। रॉन का जादू फेल हो जाने के कारण वो खुद जादू करके हैरी के सेलोटेप लगे चश्मे को ठीक कर देती है। रात हो जाती है और वो सब हॉग्समीड स्टेशन पहुंचते हैं, जहां हैग्रिड सबका वेट कर रहा होता है और वहां से बोर्ड्स में बिठा कर वो फर्स्ट ईयर के सभी बच्चों को हॉगवर्ट्स कैसल ले जाता है। सीढ़ियों के ऊपर प्रोफेसर मैकोनिकल खड़ी होती है, जो बच्चों को बताती है कि उन्हें चार हाउसेज में से किसी एक हाउस में चुना जाएगा। एक हाउस के बच्चे एक साथ रहते, खाते, सोते और पढ़ते हैं और अच्छे काम से हाउस पॉइंट्स मिलते हैं और गलत काम करने से पॉइंट्स घटा दिए जाते हैं और साल के एंड में सबसे ज्यादा पॉइंट्स वाले हाउस को हाउस कप दिया जाता है। वहाँ एक पीले बालों वाला लड़का ड्रेको मैलफॉय अपने चमचे जैसे दोस्त क्रैब और गोयल के साथ हैरी के पास आकर उससे दोस्ती करने का कहता है, पर हैरी मना कर देता है क्योंकि उसने रॉन को गरीब कहकर उसकी बेइज्जती की होती है। हाउस में चुने जाने के लिए बच्चों के सिर पर सॉर्टिंग हैट रखा जाता है। रॉन, हरमाइनी, हैरी सब ग्रिफिंडोर में चुन लिए जाते हैं। ड्रेको मैलफॉय स्लिदरिन में चुना जाता है, जिसपे रॉन हैरी को बताता है कि सभी शैतानी जादूगर स्लिदरिन से आते हैं। हेडमास्टर डंबलडोर बच्चों को रात में घूमने, फॉरबिडन फॉरेस्ट में जाने और तीसरी मंजिल के एक स्पेसिफिक गलियारे में घूमने का मना करते हैं। सामने एक टीचर बैठे होते हैं प्रोफेसर कुरिल के पास, जिनकी तरफ देखते ही हैरी के स्कॉम में दर्द होने लगता है। हैरी को पता चलता है कि हॉगवर्ट्स में पेंटिंग्स हिलती है, वहाँ घोस्ट्स भी रहते हैं। अपने हाउस के कॉमन रूम में जाने के लिए उन्हें पेंटिंग को पासवर्ड बताना पड़ता है और बहुत ही शानदार डिनर के बाद हैरी अपनी डॉर्मेटरी में चला जाता है। अगले दिन मैकगोनिकल के क्लास में वो रॉन के साथ जाता है। अगली क्लास प्रोफेसर स्नेप की होती है। हैरी को लगता है कि स्नेप उसे न जाने क्यों बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और उससे जानबूझकर टफ क्वेश्चन पूछते हैं, जिनका जवाब हैरी नहीं दे पाता, हालांकि सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हरमाइनी जानती थी। इस कारण स्नेप ग्रिफिंडोर के पॉइंट्स भी कम कर देते हैं। ब्रेक में सीमस टी को रम में चेंज करने की नाकामयाब कोशिश कर रहा होता है, तभी वहाँ उल्लू सामान लेकर आते हैं, जिसमें नेविल की दादी ने उसे रिमेम्ब्रॉल भेजा होता है क्योंकि नेविल बहुत ही भुलक्कड़ लड़का था। हैरी को न्यूज़पेपर में पता चलता है कि ग्रीनगॉट्स की उसी वॉल्ट को लूटने की कोशिश की गई थी, जिससे उसी दिन की सुबह हैरी और हैग्रिड वो पोटली लेकर आए थे। अगली क्लास फ्लाइंग लेसन की होती है, जहां नेविल गलती से उड़ने लगता है और गिरकर उसकी कलाई की हड्डी टूट जाती है। मैडम हूज उसे मैडम पॉम्फ्री के पास हॉस्पिटल ले जाती है, पर पीछे से ड्रेको और हैरी के बीच लड़ाई सी हो जाती है, जिसमें ड्रेको नेविल के रिमेम्ब्रॉल को हवा में फेंकता है। हैरी उस बॉल को पकड़ लेता है, पर ऐसा करते हुए मैकोनिकल देख लेती हैं। वो हैरी को ले जाकर ओलिवर वुड से मिलाती हैं और बताती हैं कि हैरी ग्रिफिंडोर के क्विडिच टीम का अब नया खोजी यानी सीकर है। हैरी को क्विडिच टीम में ले लिया जाता है, जिसका कैप्टन ओलिवर वुड होता है और रॉन के ट्विन ब्रदर्स फ्रेड और जॉर्ज भी टीम में होते हैं। जल्दी ही ये खबर पूरे स्कूल में फैल जाती है कि हैरी अब क्विडिच टीम में है। हैरी को लगता है कि वो ये सब कैसे करेगा, पर हरमाइनी जो ये बात सुन रही होती है उन दोनों को ट्रॉफी रूम में ले जाती है और दिखाती है कि हैरी के पिता जेम्स भी क्विडिच खिलाड़ी थे। लौटते समय वो तीनों गलती से थर्ड फ्लोर के उस विंग में चले जाते हैं जहाँ जाना मना था और वहाँ उनका सामना एक थ्री हेडेड डॉग से होता है। वो किसी तरह वहाँ से बचकर निकलते हैं। ओलिवर वुड हैरी को क्विडिच के रूल सिखाता है और ये भी कि हैरी का काम गोल्डन स्निच यानी सुनहरी गेंद को पकड़ना है। अगली क्लास चार्म्स की होती है, जिसमें विंगार्डियम लेवीओसा चार्म सिखाया जाता है, जिससे चीजों को हवा में उड़ाया जा सकता है। रॉन गलत तरीके से स्पेल कर रहा होता है, हरमाइनी उसे रोकती है और खुद सक्सेसफुली उस पंख को उड़ा देती है जो उन सभी को दिए गए थे। रॉन बुरा मान जाता है और उसका मजाक बनाता है और कहता है कि इसीलिए हरमाइनी का कोई दोस्त नहीं, जिसे वो सुन लेती है और रोती हुई वहाँ से चली जाती है। ये दिन हैलोवीन का होता है और रात में सब बच्चे जब जश्न मना रहे होते हैं, हरमाइनी वहाँ नहीं होती। नेविल बताता है कि पार्वती पाटिल ने उसे बताया कि उसने खुद को लड़कियों के बाथरूम में बंद कर लिया है और वो वहाँ रो रही है। तभी वहाँ प्रोफेसर क्विरिल आते हैं और बताते हैं कि तहखाने में एक माउंटेन ट्रॉल आ गया है
और बेहोश हो जाते हैं। सभी बच्चों को उनके कॉमन रूम में भेजा जाता है, पर हैरी और रॉन जो जानते थे कि हरमाइनी बाथरूम में है, उसे बचाने के लिए तहखाने के बाथरूम में जाते हैं। ट्रॉल हरमाइनी को मारने ही वाला होता है कि रॉन और हैरी मिलकर उसे बचा लेते हैं। मैगोनिकल, क्विरिल और स्नेप वहाँ पहुँचते हैं। मैगोनिकल के फटकाने पर हरमाइनी झूठ बोल देती है कि ये सब उसकी गलती थी और रॉन और हैरी को सजा मिलने से बचा लेती है, और उस टाइम से ही उन तीनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। अगले दिन नाश्ते में हैरी हरमाइनी को अपना डाउट बताता है कि जरूर स्नेप तीन मुंह वाले कुत्ते के पास गया था और कुत्ते ने उन्हें काट लिया, इसलिए वो लंगड़ा कर चल रहे हैं, और जरूर स्नेप वो चीज लेने गए होंगे जिसे वो और हैग्रिड ग्रीनकॉट्स की तिजोरी से निकाल कर लाए थे। तभी वहां उल्लू एक पैकेट लेकर आता है और उसे खोलने पर हैरी देखता है कि प्रोफेसर मैगोनिकल ने उसे नई निम्बस 2000 जो कि सबसे तेज उड़ने वाली झाड़ू होती है दी होती है। अगले दिन क्विडिच का मैच होता है। ये मैच स्लिदरिन के खिलाफ होता है। ग्रिफिंडोर वाले लीड कर रहे होते हैं, पर स्लिदरिन वाले चीटिंग से कीपर वुड को घायल कर देते हैं और ग्रिफिंडोर की टीम से आगे निकल जाते हैं। तभी हैरी की झाड़ू बेकाबू हो जाती है और उसे गिराने लगती है। हरमाइनी दूरबीन से देखती है कि स्नेप कुछ बुदबुदा रहा है। वो जाती है और स्नेप के चोगे में आग लगा देती है, जिससे आसपास बैठे क्विरिल और बाकी के टीचर्स का ध्यान भटक जाता है और हैरी की झाड़ू नॉर्मल हो जाती है। हैरी स्निच को पकड़ने जाता है पर बैलेंस बिगड़ने से वो गिर जाता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर वो गोल्डन स्निच को ऑलमोस्ट निकल जाता है, इसीलिए स्निच को पकड़ लेने के कारण ग्रिफिंडोर की टीम मैच जीत जाती है। नेक्स्ट डे हरमाइनी हैग्रिड को बताती है कि स्नेप ही झाड़ू पर जादू कर रहा था, और हैरी कहता है कि वो उस तीन सिर वाले कुत्ते के पास भी गया था। हैग्रिड शॉक हो जाता है कि फ्लफी के बारे में तीनों को कैसे पता, और कुत्ता किसकी रखवाली कर रहा है ये डंबलडोर और निकोलस फ्लमेल का आपसी मामला है। हालांकि हैग्रिड को समझ में आ जाता है कि उसे ये नहीं कहना था। अब हैरी, रॉन और हरमाइनी निकोलस फ्लमेल के बारे में ढूंढना शुरू कर देते हैं। क्रिसमस की छुट्टियां शुरू हो जाती है। हैरी रॉन के साथ चेस खेल रहा होता है जिसमें वो बुरी तरह से हार रहा होता है, और हरमाइनी ये कहकर घर चली जाती है कि छुट्टियों में फ्लेमेल के बारे में तुम लोग ढूंढते रहना, खासकर लाइब्रेरी के रिस्ट्रिक्टेड सेक्शन में। अगले दिन क्रिसमस पर रॉन और हैरी प्रेजेंट्स खोलते हैं, जिसमें हैरी को कोई एक चोगा भेजता है जो उसके पिता का होता है। ये एक इनविजिबिलिटी क्लोक होता है। रात में हैरी उस चोगे को पहनकर लाइब्रेरी के रिस्ट्रिक्टेड सेक्शन में जाता है, पर उसे कहीं भी फ्लेमेल के बारे में कुछ भी नहीं मिलता। आवाज होने के कारण वहाँ फिल्ट आ जाता है और हैरी वहाँ से भागता है, पर रस्ते में उसे स्नेप और क्विरिल दिखते हैं, जहाँ स्नेप क्विरिल को धमका रहे होते हैं। हैरी बचने के लिए एक रूम में घुस जाता है जहाँ उसे मिरर ऑफ एरिसेट दिखता है, जिसमें उसे उसके पेरेंट्स नजर आते हैं। वो रॉन को उठाकर साथ ले जाता है, पर रॉन को उसमें कुछ और दिखाई देता है। रॉन देखता है कि वो हेड बॉय है और क्विडिच टीम का कैप्टन है। हैरी अब हर रोज उस रूम में जाने लगता है अपने पेरेंट्स को देखने, पर फिर डंबलडोर वहां आ जाते हैं और हैरी को बताते हैं कि ये मिरर इंसान के डीपेस्ट डिजायर बताता है, और क्योंकि इस मिरर के कारण कई लोग पागल हो गए हैं, इसलिए इस मिरर को हटाया जा रहा है और हैरी उसे ना ढूंढे। छुट्टियां खत्म हो जाती हैं और सारे स्टूडेंट्स वापस आ जाते हैं। रॉन चॉकलेट फ्रॉक कार्ड देखता है और उसमें डंबलडोर का कार्ड होता है, जिसमें लिखा होता है कि उन्होंने निकोलस फ्लेमेल के साथ मिलकर कई काम किए हैं। हरमाइनी को याद आ जाता है और वो लाइब्रेरी जाकर एक बुक निकालती है जो उसने काफी टाइम पहले दिल बहलाने के लिए पढ़ी थी। उसमें बताया होता है कि निकोलस फ्लेमेल ने पारस पत्थर बनाया है जिससे किसी भी मेटल को गोल्ड में चेंज किया जा सकता है, और उम्र बढ़ाने वाला काढ़ा बनाया जाता है जिसको पीने से लोग अमर हो सकते हैं। वो लोग समझ जाते हैं कि कुत्ता पारस पत्थर की ही रक्षा कर रहा है। रात में वो लोग हैग्रिड के पास जाते हैं और बताते हैं कि वो पारस पत्र के बारे में जानते हैं। हैग्रिड उन्हें अंदर बुला लेता है अपने घर में, जहां उसका कुत्ता फैंग भी होता है। हैग्रिड वहां केटली में एक अंडे को गर्म कर रहा होता है। वो ड्रैगन का अंडा होता है। उसमें से एक ड्रैगन का बच्चा बाहर आता है जिसका नाम हैग्रिड नॉबर्ट रखता है। ये अंडा उसे एक अजनबी पब में दे गया था, पर यह सब ड्रेको खिड़की से देख लेता है और जाकर प्रोफेसर मैगोनिकल को बता देता है। मैगोनिकल रात में घूमने के कारण सभी के 50 पॉइंट कम कर देती हैं और उन चारों को डिटेंशन भी दिया जाता है। डिटेंशन में उन्हें हैग्रिड के साथ जंगल जाना होता है क्योंकि कोई यूनिकॉर्न्स को मार रहा होता है उनका खून पीने के लिए। उन्हें एक घायल यूनिकॉर्न मिलता है और उसके ऊपर कोई उसका खून पी रहा होता है। ड्रेको जैसे ही चिल्लाकर वहां से भागता है, खून पीने वाला आदमी हैरी की तरफ उसे मारने के लिए आता है, पर फिरेंस नाम का एक सेंटो हैरी को बचा लेता है।
और बताता है कि यूनिकॉर्न का खून जादुई होता है और इसे पीने से आपको अधूरी ही सही पर जिंदगी मिलती है। हैरी को अंदाजा हो जाता है कि कहीं ये वोल्डेमॉर्ट का ही काम तो नहीं। हैरी, रॉन और हरमाइनी को एहसास हो जाता है कि जब तक डंबलडोर आसपास हैं, वोल्डेमॉर्ट हैरी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। उन लोगों के एग्जाम खत्म हो चुके होते हैं पर हैरी के निशान में डिटेंशन वाली रात से ही दर्द शुरू हो जाता है। हैरी को याद आता है कि हैग्रिड ने उसे बताया था कि वो एक ड्रैगन पालना चाहता है। हैरी को कुछ समझ आता है और वो हैग्रिड से पूछता है कि वो अंडा हैग्रिड को किसने दिया था। हैग्रिड बताता है कि उसने ये गेम में जीता था। उसने अजनबी को ये बता दिया था कि फ्लफी को पालने के बाद ड्रैगन को पालना कोई बड़ी बात नहीं। जैसे फ्लफी को शांत करने के लिए उसे म्यूजिक सुनाना होता है, हर जानवर की कोई ना कोई कमजोरी होती है। हैरी को एहसास हो जाता है कि हैग्रिड ने ये क्या कर दिया। हैरी वापस महल में जाता है कि डंबलडोर को वो सब कुछ बता देगा कि इसने पत्थर चुराने की कोशिश कर रहा है, पर उसे पता चलता है कि डंबलडोर स्कूल में नहीं है, उन्हें जरूरी काम से कहीं जाना पड़ा है। अब वक्त आ गया था कि ये तीनों ही पत्थर को स्नेप को लेने से पहले खुद ले ले, वरना स्नेप उसे वोल्डेमॉर्ट को दे देगा और वोल्डेमॉर्ट वापस आ जाएगा। वो इनविजिबिलिटी क्लोक लेने जाते हैं पर नेविल उन्हें रोकता है कि इससे हाउस पॉइंट्स कम होंगे, पर हरमाइनी उसे स्पेल से रोक देती है। वो तीसरी मंजिल पर जाते हैं और जैसे ही फ्लफी के पास जाते हैं वो देखते हैं कि फ्लफी ऑलरेडी सो रहा है। वो उसके नीचे चोर दरवाजे में से घुसते हैं और एक पेड़ पर गिरते हैं जो कि डेविल स्नेयर होता है। हरमाइनी की सूझबूझ से वो वहां से निकलते हैं, फिर चाबी को पकड़ते हैं जो जादू से पंख के सहारे उड़ रही होती है, और एक रूम में पहुंचते हैं जहां वो चेस बोर्ड के ऊपर खड़े होते हैं। वहां रॉन के स्किल्स के कारण वो चेस जीत जाते हैं पर इसमें रॉन घायल हो जाता है। हैरी हरमाइनी को कहता है कि वो रॉन को वापस ले जाए और हैरी खुद आगे बढ़ जाता है और फाइनली एक रूम में पहुंचता है जहां बीचों बीच मिरर ऑफ एरिसेट रखा होता है और उसके सामने क्विरिल खड़ा होता है। वो क्विरिल ही था जिसने ट्रॉल को घुसाया था। हैरी को झाड़ू पर से गिराने की कोशिश की थी। हैरी खुद को मिरर में देखता है और इस बार उसे अपनी जेब में पारस पत्थर दिखता है। हैरी को एक और आवाज सुनाई देती है कि मुझे बात करने दो। क्विरिल अपनी पगड़ी खोलता है और उसके सिर के पीछे वोल्डेमॉर्ट का चेहरा होता है। वोल्डेमॉर्ट हैरी को कहता है कि वो उसकी तरफ आ जाए। हैरी मना कर देता है। वोल्डेमॉर्ट उससे वो पत्थर मांगता है। हैरी भागता है। क्विरिल उस पर हमला कर देता है पर हैरी जैसे ही खुद को बचाने के लिए क्विरिल को पकड़ता है, क्विरिल की स्किन जलने लगती है। हैरी समझ जाता है और वो उसका चेहरा पकड़ लेता है और इस प्रोसेस में क्विरिल की मौत हो जाती है और उसके अंदर से वोल्डेमॉर्ट की आत्मा निकल कर भाग जाती है। हैरी बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होता है। वहाँ डंबलडोर उससे मिलने आते हैं और बताते हैं कि जिस रात उसकी माँ ने हैरी को बचाने के लिए अपनी जान दी थी तो सैक्रिफाइस के कारण हैरी के अंदर कुछ शक्तियाँ आ गई थी और उसी कारण क्विरिल हैरी के टच को बर्दाश्त नहीं कर पाया और मारा गया। हैरी वापस जाकर रॉन और हरमाइनी से मिलता है जो बिल्कुल ठीक होते हैं। अब साल का आखिरी जश्न हो रहा होता है जहाँ स्लिदरिन हाउस कप जीत जाता है। ग्रिफिंडोर फोर्थ पोजीशन पर होता है पर डंबलडोर एंड में कुछ पॉइंट्स देते हैं। रॉन को चेस के लिए 50 पॉइंट, हरमाइनी को इंटेलिजेंस के लिए 50 पॉइंट और हैरी को बहादुरी के लिए 60 पॉइंट, यहाँ तक कि वो नेविल को भी 10 पॉइंट देते हैं बहादुरी के लिए। और इस तरह ग्रिफिंडोर फर्स्ट पोजीशन पर आकर हाउस कप जीत जाता है। रात में जश्न मनाने के बाद अगले दिन वो सभी हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस से घर चले जाते हैं।